अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारएजुकेशन के वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम इंस्टॉलेशन का एक और मेथड देखेंगे। अगर आपकी कोई लाइव साइट है तो उस लाइव साइट के साइट के ऊपर आप कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वी हैव अ साइट, द नेम ऑफ जी डब्ल्यू एफ एनजीओ, ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ से, उनके ग्रुप की है साइट, और जो कि यहाँ पे एम्पावर द वूमेन की है। ये थोड़े सा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इनके सी पैनल में जा रहे हैं, और ये वेबसाइट के सी पैनल में आने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसी के अंदर अगर डाटाबेस वगैरह बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। और सबसे पहले इसका एक फाइल मैनेजर होता है, लेट्स गो फॉर द फाइल मैनेजर। तो वो यहाँ पे आपको बताएगा, जैसे रूट पब्लिक HTML WW और FTP। बेसिकली हम FTP में नहीं जा रहे, हम WW में ही जाएंगे, जो उसकी पब्लिक HTML, जितनी भी फाइल्स होती हैं वो पब्लिक HTML पे रखी होती है। तो जितनी भी इनकी ये फाइल्स का सोर्स कोड है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये CGI बेंस है, इसके अंदर ये इन्होंने फाइल 2.jpg एनिमेशन इंडेक्स डॉट रखा है। बेहतर ये होता है कि जब आप फाइल्स के नाम रख रहे हो, इमेज के नाम भी रख रहे हैं, वेबसाइट के फाइल्स के नाम भी रख रहे हैं, तो प्रॉपर नेमिंग किया करें। इस तरह से आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सी वाली इमेजेस कर रहे हैं और कौन सी वाली इमेजेस नहीं कर रहे। ओके, सो वी हैव ऑल द फाइल्स। मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट फाइल। ठीक है, मेरी साइट एम्प्टी हो चुकी है। अब मैं जाके चेक करना चाहूँ कि ये GWF है तो फॉरबिडन, नाउ देयर इज नो फाइल ऑन द फाइल। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पे एक सॉफ्टेक्यूलस के नाम से होगा, ये ऐप इंस्टॉलर है। ये सारे के सारे ओपन सोर्स है। इसमें आपने जो वर्डप्रेस का निशान है, आप सबसे ज़्यादा यूज जो होता है ब्लॉग साइट्स में वो वर्डप्रेस है, उसके बाद जुमला है, लेकिन हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे। सॉफ्टेक्यूलस के ऊपर आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जरूरत नहीं है, जब आप ये करेंगे तो सॉफ्टेक्यूलस का एक आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको पढ़ें तो आपके सामने ये वर्डप्रेस इज अ वेब सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट और ब्लॉग। वी लाइक टू से दैट वर्डप्रेस इज बोथ फ्री एंड प्राइसलेस, एट द सेम टाइम आप इस पे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने इसका ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू इज अ वेबसाइट यू कैन यूज टू फाइंड आउट फॉर सकते हैं। फीचर्स हैं इसके जी, इसकी कुछ फीचर्स में से है सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, पब्लिश विद ईज, पब्लिशिंग, मीडिया मैनेजमेंट, फुल स्टैंडर्ड कंप्लायंस, इजी थीम, फला। आपके पास लॉट ऑफ टाइम है, आप एक दफ़ा इसको ज़रूर इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट्स में आपको उस वेबसाइट के जो मेजर पार्ट्स हैं वो उसका स्क्रीनशॉट्स इसको इमेजिन किया जाता है। एक तो मुझे यहाँ के नेट के ऊपर भी बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए मैं ही चाह रहा हूँ जल्द अज जल्द इंस्टॉलेशन में आना है। सबसे पहले आपके प्रोटोकॉल की बात, आप लोगों ने नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, इसमें HTTP भी होता है, FTP भी होता है, UTP भी होता है, SMTP भी होता है, FTP भी होता है, HTTPS भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के आपके प्रोटोकॉल्स हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो साइट ली है वो कहाँ से, HTTP है या HTTPS है, आपको वो खुद ही कंप्लीट करते हैं। लेट्स सपोज आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हम अपनी यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आते हैं और HTTP भी रखते हैं। डोमेन नेम आपका वही है जो GWF NGO है। आपने डायरेक्टरी जो इसके अंदर इज रिलेटिव देखिए, जब आपने पहला पेज बनाना है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर डायरेक्टरी दें, इसको ख़त्म कर दें। लेकिन आप चाहते हैं कि जी पहला पेज आप AJAX में, JQuery में या Bootstrap में बनाएं और फिर वहां से क्लिक हो तो फिर आपकी वर्डप्रेस जाए, तो फिर आप इसकी डायरेक्टरी का नाम आप जो भी एम्पावर वुमेन है या व्हाटसोएवर है वो देना चाहें दे सकते हैं। साइट नेम है जी, क्या साइट का नाम रखा हुआ है, GWF से क्या मुराद है, गेट अ वुमेन फाउंडेशन। ओके, वुमेन। साइट डिस्क्रिप्शन, आपने जो अपनी साइट के बारे में लिखा हुआ है क्या है, इन दिस नहीं दिस एनजीओ
will establish for the empower length of the woman. We know that the woman in Pakistan face a lot of challenge. Of different kinds. Our organization will help to empower them not only mentally, physically. And emotion. वैसे मैं तो इसके हक में हूँ कि ये होनी चाहिए. ओके, अब आ जाता है आपका एडमिन. जिस तरह हमने वहाँ पे दिया था, आपने मैं फॉर एग्जांपल किंजा दे देता हूँ, तब तक ये वेबसाइट रहेगी, आपका नाम चलता रहेगा. और फिर उसी तरह से मैं पासवर्ड पाकिस्तान लाहौर 123 रख रहा हूँ. ये बहुत ज़रूरी है कि आपका, आप एक ये भूल गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. शॉर्ट है 9 एक और डाल, ठीक है, हो गया. पाकिस्तान इन लाहौर 123. मुझे तो एक ही शहर पसंद है पाकिस्तान में, वो लाहौर. फॉर एग्जांपल आप अपनी ईमेल बताइए, किंजा 09RAZZ किंजा AQ. इंग्लिश नहीं, लिमिट लॉग इन अटेम्प्ट आप करना चाहें. यहाँ पे भी आपने वही वाला ईमेल देना है जहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जाएगी. ये आपको एक ईमेल जनरेट कर देगा आपकी, वहाँ से इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है. ऊप्स, द कनेक्शन वाज लॉस्ट. आई ऑलरेडी नो. बीजीओ का नेट जिंदाबाद, लाहौर का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है. इसलिए DSL की जरूरत नहीं है, तुम खामोश रहो. बिल्कुल बेहतर है, मैं तो इसलिए कह था कि अब साइलेंस पे. आज आप सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे अपना डेटाबेस को चेक कर लीजिए कि आपका डेटाबेस फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ. वो कहाँ गया डेटाबेस? ये MySQL डेटाबेसिस में आपने आना है. अगर आपकी वो कनेक्शन नहीं, वो लिमिटेड आ रहा है, हो जाता है. वी शैल वेट फॉर दैट. अच्छा, आप देखेंगे तो अभी MySQL डेटाबेसिस इंस्टॉल नहीं हुए थे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक डेटाबेस अलाउड है. अगर आप दोबारा जाना चाहेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के बीच में रोक देगा. तो अगर आपकी इंस्टॉलेशन हाफ ऑफ द मिड कहीं पे रुक जाए तो आपने सबसे पहले जाके MySQL डेटाबेस को भी डिलीट करना है. और जिस तरह मैंने आपको शुरू में फाइल्स बताई, आपने वहां से भी अनइंस्टॉल करनी है. ओके, अब यहाँ पे हमारी ये हो चुकी है तो हम इसको होम के ऊपर जाते हैं. And we just go for that. No, I'm not thankful. Soft Atlas पे आके आप WordPress पे क्लिक कर दो. आप यहाँ पे इंस्टॉल का प्रेस कीजिए, HTTP, और इसको मैंने आपसे कहा कि उड़ा दीजिए. गेट अप वुमेन, ये सारा वो पड़ा हुआ था. This NGO. किंजा पाकिस्तान एंड लाहौर 123. शॉर्ट कैसे हो गए? वन टू थ्री फोर. हंसने वाली इसमें कौन सी बात है, मुझे ये समझ नहीं आती. बेवकूफ लगते हैं ऐसे काम खाई में हंसी जा रहे हैं.
ठंड लग रही है, दिमाग के चढ़ गई ठंड। इंस्टॉलेशन वी शैल वेट फॉर दैट, सिर्फ जस्ट ना 5 मिनट्स, 7% सबमिटेड, चेकिंग द सबमिटेड डाटा। बाद में आपसे ये इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, पर मैंने ये वीडियो भी नहीं रखनी। ये जो काम आपने पूरे दिन में लगा के सीखना था, मैंने आपको आधे घंटे में सिखा दिया। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चाहिए कि सब अपनी अपनी जो साइट्स ली हुई हैं उनके ऊपर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एक दफ़ा नहीं बल्कि जितने आपके ग्रुप के मेम्बर थे सब बारी बारी, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। ये जगह आपकी एक स्लेट की तरह जो आपको होस्टिंग दी गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कितने फा उड़ाया जाए, कितने फा डाला जाए। ये एक फोल्डर है, एक की फोल्डर की पक्का करना आपका काम। ऊप्स, द कनेक्शन वाज लॉस्ट वंस अगेन। आप देखेंगे 776 के ऊपर जाके ये लॉस्ट हुआ, इसका मतलब है कि वी आर नॉट एबल गोइंग टू सी पैनल। इसी तरह से अब डेटाबेस भी बन चुका होगा एंड उसके अंदर जाके आप चेक करेंगे डेटाबेस को, MySQL डेटाबेस को। फर्स्ट टाइम पे इसका डेटाबेस नहीं बना था, आप जरा गौर करें तो ये GWFN आपके नंबर के साथ बन चुका है। इसको आप डिलीट कर दें, डिलीट डेटाबेस आर यू श्योर, वो आपसे पूछेगा तो आप इसको डिलीट कर दें ऑप्शन। ऊपर जब ये राउंड कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वो कर रहा था। गो बैक, आप देखें इसका कोई यूज़र बनाया हुआ है, इसको भी डिलीट कर दें। ये भी एक खास नंबर से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बना देता है, MySQL यूज़र, इसको भी डिलीट कर दें। इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको इंस्टॉलेशन के दौरान आ जाती हैं। अच्छा जी, गो बैक करें इसको पोजीशन पे। अब ये आपका बन चुका है ऑलमोस्ट, आपने एक दफ़ा फिर स्लेट की तरह साफ कर दिया। अब इसके फिर हम लगाते हैं, देखते हैं क्या इस दफ़ा ये इंस्टॉलेशन हमारी बीच में रुक ना जाए। इंस्टॉल वर्डप्रेस को हटाएं, इसमें एनजीओ एंड जब तक ये चुप नहीं करेगा ना। हर दफा यही आ जाता है। खामोशी से देखना चाहिए कि बोल ना जाए। जय बजरंग बली। अच्छा, हर दफा एरर आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको समझ आ रही है कि ये हो क्या रहा है। डॉट एच टी एक्सेस कुड नॉट प्रोसीड बिकॉज द फॉलोइंग फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टारगेट फोल्डर। अभी इससे मुराद ये होता है कि आपकी एक फाइल जो आपने बनाई है उसका बेसिकली एक फोल्डर बन रहा होता है। आप गो टू कंट्रोल पैनल पे चले जाएं, डॉट एच टी एक्सेस है, जब आप फाइल मैनेजर पे आएंगे तो बेसिकली आप होम डायरेक्टरी पे आएं। जरा जब आप वर्डप्रेस बनाते हैं जिस नाम से भी, तो उसके अंदर एक एच टी एक्सेस के ऊपर ही ये पब्लिक फोल्डर के नाम से पब्लिक एच टी एम एल डायरेक्टरी तो हमने डिलीट कर दी थी। चले हम इसको किसी और नाम से भी देखते हैं, वर्डप्रेस को एक दफ़ा री इंस्टॉल करके दोबारा कोशिश करते हैं। वो मैं शायद देखा कि फोल्डर की वजह से कर रहा है। ये दफा इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो जाए।
क्या प्रॉब्लम करी जा रहा है ऐसे, कभी नेट की वजह से किसको? सही है, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर सर्वर पे, तो मुझे ले जा लैपटॉप पे। वाह जहालत है। यानी हर चीज का एक ही हल है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कर क्या? रीस्टार्ट कर किसको? रीस्टार्ट करना है इसमें? अब भगवान। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, वो हिंदू भी हैं, नविता कुमारी लाइक दैट, तो उनके साथ भगवान की बातें चलती रहती हैं। हैं? नहीं नहीं मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। ओके ओ वाओ, आखिरकार हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, भगवान ने करे, भगवान। अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक URL भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव URL है, GWF आपकी यहाँ साइट पड़ी हुई है। आप अब अपनी वेबसाइट पे जाएं तो देन यू कैन सी दैट गेट अ वुमेन फाउंडेशन लाइक दैट, और इस तरह से आपकी इंस्टॉलेशन ऑन द बोथ साइड्स के ऊपर कंप्लीट है। आपकी ख्वाहिशात भगवान ही पूरी करे। मैं तो आज थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।